भ्रष्टाचार विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम दौरान साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे साबका मीडिया सलाहकार परतिंदर सिंह चाहल विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मनिया जा रहा है कि परतिंदर सिंह चाहल विदेश भजन की कोशिश दे विच सी, जिसके चलते विजिलेंस ने उन्होंने विरुद्ध लुकआउट नोटिस कट के देश के सारे हवाई अड्डिया से इसकी जानकारी साझी कर दी। दसनयोग है भ्रष्टाचार विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों परतिंदर सिंह चाहल विरुद्ध आमदन तो वध जायदाद का केस दर्ज किया गया। परतिंदर सिंह चाहल से आमदन के जाणू स्रोतों तो 305% वध जायदाद बढ़ाने के इल्जाम ने। उधर बीते कल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने परतिंदर सिंह चाहल की पटीशन का नबेड़ा भी कर दिया। विजिलेंस वालों पूछगिछ लई बुलाए जाने से चाहल ने हाईकोर्ट में पटीशन दाखिल करके खदशा प्रगटाया कि उन्होंने विरुद्ध किसी वेले भी FIR दर्ज करके उन्होंने किसी वेले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा अगाऊं जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ही सरकार को हुक्म दिया कि जेकर FIR दर्ज की जाती है तो इस बारे चाहल को जाणू करवाया जाए तो 3 दिन तक गिरफ्तार न किया जाए। इसे पर सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट के ध्यान हित लिया कि परतिंदर सिंह चाहल विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है, जिससे बैंच ने कहा कि क्योंकि पटीशन विचला मुद्दा पूरा हो चुका है तो पटीशन अगे जारी रखने की महत्ता नहीं रह जाती। जेकर मामले की गल करिए विजिलेंस ब्यूरो वालों भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट धारावं 13(1)(b), 13(2) अधीन विजिलेंस ब्यूरो पटियाला रेंज विखे परतिंदर सिंह चाहल विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिस मगरों जांच दौरान सामने आया कि मार्च 2017 सितंबर 2021 तक साबका मीडिया सलाहकार चाहल और उसके परिवारक मैंबर की आमदन 7,85,16,905 रुपए से, जबकि 31 करोड़ तो उपर रुपए खर्च किए गए, जो कि आमदन के जाणू स्रोतों तो लगभग 305% वध ने। तो हुण सूबे के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं अखां दे तारे रहे परतिंदर सिंह चहल विजिलेंस की अख दे विच रड़क रहे हैं, जिस पिछों विजिलेंस वालों चहल खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।